राज और विद्युत प्रीक्षा की हेल्प करते हैं और प्रीक्षा रुद्र के साथ मिलकर प्रिटेंड करती है कि रुद्र को गोली लग चुकी है। जब अरमान सारे गुना कन्फेस कर लेता है, पुलिस अरमान को अरेस्ट कर लेती है। तब प्रीक्षा अरमान को बताती है कि उससे पहले ही अरमान का प्लान का पता चल चुका था, जब अरमान ने रुद्र को किडनैप किया था। डॉक्टर गुप्ता अरमान और चाचा जी का पीछा करते हैं और प्रीक्षा को रुद्र की लोकेशन बताते हैं। तब राज और पीयू प्रीक्षा की हेल्प करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को सुला देने, रुद्र को अरमान के केस से बचा लेती है। रुद्राक्ष अरमान को एक्सपोज करने के लिए नया प्लान बनाते हैं और प्रीक्षा अरमान की वॉच में डिवाइस लगा देती है, जिससे प्रीक्षा को अरमान का प्लान का पता चल जाता है। तब प्रीक्षा विद्युत और राज की हेल्प से नकली गन से रुद्र पर शूट करती है, जिससे अरमान को यकीन हो जाता है कि रुद्र मर चुका है। जब अरमान सारे गुना कबूल कर लेता है, तब प्रीक्षा अरमान को बताती है कि रुद्र जिंदा है। अरमान प्रीक्षा और रुद्र को साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और पुलिस अरमान को अरेस्ट कर लेती है। बाद में प्रीक्षा वापस रुद्र के पास चली जाती है और प्रीक्षा का खुराना हाउस में वेलकम किया जाता है और अरमान फिर से चाचा जी की हेल्प से रुद्र और प्रीक्षा को अलग करने के लिए नया प्लान बनाता है। अब तो बस देखना तो होगा कि क्या होगा, क्या प्रीक्षा और रुद्र रेवती और उनके बच्चे को ढूंढ पाएंगे, क्या पीयू अपने दिल की बात राज के सामने कन्फेस कर पाएगी, क्या होगा आगे, जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।